देता है, या टीचर मुझे यहाँ पर एक सिचुएशन देता है, मेरी सिचुएशन क्या है ध्यान से समझना, मेरी सिचुएशन ये है कि मेरे पास यहाँ पर एक कैपेसिटर आपके पास प्रेजेंट है, और इस कैपेसिटर का एरिया मेरे पास यहाँ पर गिवन है, हमारे पास इसका एरिया गिवन है, और आपका एरिया यहाँ पर 2 cm² है। मेरे पास इन दोनों आपके पास प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस मेरे पास डी इज इक्वल टू 1 mm के बराबर, और मुझे बताना है नंबर वन क्या आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम किसके बराबर है, तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी और दिस इज इक्वल टू 8.8 × 10⁻¹² इंटू एरिया, सो 2 × 10⁻⁴ क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर है अपॉन 1 mm तो 10⁻³। तो हमारे पास इसकी कैपेसिटेंस किसके बराबर आ जाएगी, 8.8 × 2 × 10⁻⁶ + 3, तो हमारी कैपेसिटेंस कितने के बराबर आ जाएगी, दिस इज 17.6 × 10⁻³ -3 farad। अब जो पॉइंट मुझे समझ में आना चाहिए, इफ अगर दिस कैपेसिटर, अगर हमारे पास ये जो कैपेसिटर, इफ दिस कैपेसिटर, अगर मेरे पास ये जो कैपेसिटर इज जॉइंट विद अ बैटरी और अ सेल, जॉइंट विद द बैटरी और विद द सेल having the potential difference of 100 volt, यानी कि 100 volt का हमारे पास यहाँ पर potential difference अगर आ जाता है तो then बच्चा हमको यहाँ पर बताना है, then मुझे ये बताना है charge stored in this capacitor will be, तो जो चार्ज स्टोर होगा इस कैपेसिटर में वो हमारे पास कितने के बराबर होगा, तो जो चार्ज मेरे पास यहाँ पर स्टोर होगा वो कैसे निकालूं, द चार्ज स्टोर ऑन अ कैपेसिटर इज गिवन बाय कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। So, capacitance हमारे पास कितने के बराबर है, 17.6 × 10⁻³ और V आपके पास वोल्टेज कितने के बराबर है, दिस इज 100, ये बच्चा हमारे पास 100 है, तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, 17.6 × 10⁻¹⁰ का चार्ज इसके ऊपर स्टोर होगा, तो 17.6 × 10⁻¹⁰ - 11 कूलम का चार्ज हमारे पास यहाँ पर स्टोर होगी। तो ये हमने अभी तक समझने की कोशिश की है। जी मेगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। सर मैंने ना आपको एक क्वेश्चन भेजा है, उसको देखो। अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा पहले मैसेज भेजा था, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डिजाइन टू वोल्टेज रेटिंग of 1 kV using a material of dielectric constant 3 and dielectric strength of 10⁻⁷ voltmeter. For safety, we should take the field never to exceed 10% of dielectric strength. What is the minimum area of plate required to have the capacitance of 50 pF? Yes, बच्चे मैं इस problem को अभी आपके साथ deal कर लेता हूँ। पहले बताइए ये तुझे clear है बच्चे? ये सभी बच्चों को clear है? महक, मेघा, स्तुति, मुदित, नितिका, ये पॉइंट क्लियर है आपको? अब चलते हैं हम आगे की तरफ। ठीक, अब हम चलते हैं बच्चे आगे की तरफ। हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है बच्चे, अगर मेरे पास एक कैपेसिटर है, सभी बच्चे फोकस करें, अगर मेरे पास यहाँ पर एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर की जो मेरे पास यहाँ पर प्लेट्स है, इन प्लेट्स के बीच में मैं किसी एक मीडियम को डाल दू, मैं यहाँ पर किसी एक मीडियम को प्लेस कर देता,
मैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में किसी एक मीडियम को प्लेस कर देता हूँ, कोई एक्सटर्नल मीडियम। ये मीडियम का एक डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट होगा के बराबर। इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस मेरे पास स्मॉल डी के बराबर। इन दोनों प्लेट्स का एरिया मेरे पास ए के बराबर है, एरिया आपके पास ए के बराबर। और इनके बीच में जो मैंने मीडियम डाला उसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर, कंप्लीटली फिल्ड किया हुआ। देन द कैपेसिटर हैविंग द कैपेसिटेंस विल बी गिवन बाय द कैपेसिटेंस विद द मीडियम फिल्ड कैपेसिटर इज गिवन बाय के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, के इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू ए डिवाइडेड बाय डी। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पर एक क्वेश्चन आता, क्वेश्चन बच्चा हमारे पास ये है कि ये मेरे पास कैपेसिटर्स हैं और ये मेरे पास कैपेसिटर की प्लेट है जिसका एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास 2 मिलीमीटर है। और मेरे पास यहाँ पर इसके बीच में एक डायलैक्ट्रिक मीडियम को डाल दिया, एक इंसुलेटिंग मीडियम को डाल दिया, और डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट मेरे पास यहाँ पर 4 के बराबर, और डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट मेरे पास 4 के बराबर। मुझे कैपेसिटेंस बतानी है विद दिस मीडियम फिल्ड कैपेसिटर। सो कैपेसिटेंस इज गिवन बाय के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। तो कैपेसिटेंस इज गिवन बाय के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। तो के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, तो अब मेरे पास यहाँ पर 4 आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट 8.8 × 10^-12 एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10^-4। और नीचे मेरे पास आ गया स्मॉल डी, और स्मॉल डी कितने के बराबर है, सो 2 × 10^-3। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गए। इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास ये कैंसल होकर कितना आ जाएगा, 2 × 4, तो आपके पास 8 × 8.8 × 10^-13 फैरड। अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास यहां पर कितना आ जाएगा, 4 और 6, और ये मेरे पास करीबन कितना आ जाएगा, 70.4 × 10^-13 फैरड। जब हम किसी मीडियम को किसी डायलैक्ट्रिक प्लेट्स के बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, उसकी कैपेसिटेंस के टाइम्स क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो हमारे पास उसकी कैपेसिटेंस के टाइम्स हमारे पास क्या हो जाती है बच्चे, इंक्रीज हो जाती है। तो हमारे पास उसकी कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर ये चीजें हमको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। वेट करो बच्चे, 2 मिनट वेट करो, एक बच्चे का डाउट है, मैं कोशिश करूंगा कि इस डाउट को मैं यहीं पे लेके आ जाऊं बाकी बच्चों के सामने। देखना पड़ेगा नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, नेटवर्क अगर स्ट्रांग होगा तो फिर बढ़िया हो जाएगा, वैसे सब बच्चों के लिए बढ़िया क्वेश्चन। चलो जब तक बच्चे हमारे पास ये ओपन आपके पास होता है तो आप यहाँ पर हम कर लेते हैं। बच्चे आपको नजर आ रहा है, बच्चे दोबारा से नोटबुक नजर आ रही है बच्चे? चलिए सर, ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और भी आता है, और हमारे पास इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ। कई जगहों पर आपको एक वर्ड सुनाई देगा और आपका वर्ड होगा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हमारा वर्ड होगा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ बेसिकली हमारे पास क्या है, द डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी अप्लाइड बिटवीन द टू कैपेसिटर प्लेट्स, बिटवीन द टू कैपेसिटर प्लेट्स, बिटवीन द टू कैपेसिटर प्लेट्स, बिटवीन दी टू कैपेसिटर प्लेट्स। हमारे पास इन दोनों प्लेट्स के बीच में जितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लग सकती है उसको आप डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ का फायदा, अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम बिटवीन दी प्लेट्स अपॉन डी, द गैप बिटवीन दी प्लेट्स, द गैप बिटवीन दी प्लेट्स, एंड देयरफॉर
वी कैन कैलकुलेट, हम यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। जरा चेक कर लेते हैं कि हमारे पास उस बच्चे का डाउट यहां पर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज काफी टफ है। चलिए देखते हैं बच्चे हमारे पास। ओके, सब बच्चों को ये नजर आ रहा है? बच्चे ये नजर आ रही है बच्चे आपके पास? स्क्रीन नजर आ रही है बच्चे? यस, क्वेश्चन नजर आ रहा है बच्चे? यस सर। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर बच्चा हमारे पास क्या, चेक कर लेते हैं। अच्छा चलो, वी हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दैट इज टू बी डिजाइंड विद द वोल्टेज रेटिंग ऑफ 1 kV, यानी कि इसमें वोल्टेज कितने के बराबर है, 10³ V। मेरी बात को ध्यान से समझना। यूजिंग अ मटेरियल ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 3, यानी कि डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 3 एंड डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁻⁷ V। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁻⁷ V। फॉर सेफ्टी वी वुड लाइक द फील्ड नेवर टू एक्सीड से 10% ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यानी कि बच्चे हम ये बोल रहे हैं कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम जो मैं लगा सकता हूं बच्चे सेफ्टी के लिए, वो 10%, क्योंकि हम उस पे चले जाएंगे तो सेफ नहीं रहेंगे, उससे कम रहेंगे। हम जब किसी भी चीज के स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं तो अपने हिसाब से मेजर करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ पंगा लेना बहुत मुश्किल है। इस वजह से हम मैक्सिमम से थोड़ा कम रहना चाहते हैं। तो वो यही बोल रहा है कि हम अपनी फील्ड को सेफ्टी के लिए 10% ऑफ डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी 10/100 ऑफ, बच्चे हमारे पास यहां पर कितने के बराबर है, 10⁻⁷। यानी कि हम चाहते हैं कि हमारे पास कितने की इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के बीच में लग जाए, 10⁻⁶ V/m। व्हाट इज द मिनिमम एरिया ऑफ प्लेट रिक्वायर्ड टू हैव द कैपेसिटेंस ऑफ 50 pF। यह पंजाब बोर्ड और CBSE में उस साल 2005 के अंदर आया था, 2005 का क्वेश्चन है। तो निकालना क्या है, अब कैपेसिटेंस क्योंकि डायलेक्ट्रिक है तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बच्चे हमारे पास डी। अब प्रॉब्लम क्या क्या, मेरे पास मुझे कैपेसिटेंस पता है बच्चे 50 pF 10⁻², मुझे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी पता है 3, मुझे एप्सिलॉन नॉट भी पता है, 8.8 × 10⁻²। मुझे एरिया नहीं पता और मुझे एक और चीज नहीं पता बच्चे, डिस्टेंस डी नहीं पता। अब मैं ये कैसे निकालू, मैं बताता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया, क्या आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी वो किसके बराबर होगी, वोल्टेज मैक्सिमम डिवाइडेड बाय डी, बोला बच्चे मैंने आपको। यहाँ पर वोल्टेज कितने की लगानी है, मेगा 10⁻³। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने की लगानी है, 10⁻⁶। इस वजह से मैं बताऊं नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या लिखूं, मेरे पास यहां पर क्या आएगी जरा बताओ बच्चे। तो 10⁻⁶ आपके पास यहां पर 6 इज इक्वल टू 10⁻⁶ बच्चा हमारे पास इज इक्वल टू 10³ D। तो जल्दी बता दे डी की वैल्यू कितने के बराबर है, 10⁻³ m। ले लड़की तेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो तेरे पास यहां पर अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनानी, तेरे पास आ जाएगा 50 × 10⁻², और बच्चा हमारे पास सामने या नीचे लेके आ जा 3 × 8.8 × 10⁻²। ये तो चलो कैंसिल हो जाएगा, ये तो वैसे भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद इक्वल टू एरिया अपॉन बच्चे डी के बराबर, तो ये 10⁻², और -12 कैंसिल। तो जल्दी बता दे तेरे पास डी की वैल्यू कितने के बराबर, तो D is equal to 3 × 8.8 और multiplied by area, आपके पास area तो मुझे, अरे यार D आपके पास given है क्या, D तो हमने निकाल लिया था, एक मिनट रुको, मैंने गड़बड़ कर दी,
मैं सोचने लगा कि हमने डी निकालना है, अरे दिमाग खराब मेरा। तो हमारे पास यहाँ पर मैं कर भी रहा था, मेरे को लग भी रहा था 50 × 10⁻³ एंड डिवाइडेड बाई 3 × 8.8। और ऐसा करोगे बच्चे तो आपके पास इसका क्या आ जाएगा, ए। तो नीचे बच्चा हमारे पास ये करीबन 2 के आसपास बच्चे इसका आंसर आएगा, क्योंकि नीचे बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा 8.8 × 3 कितने के बराबर है 4 और 2, तो आपके पास कितना आ जाएगा 26.4 है बच्चे हमारे पास, है ना। तो 26.4 और ऊपर 50 है तो 0.9 के आसपास है बच्चे, 0.1 ऐसा कुछ आएगा बच्चे। कितना आंसर है बच्चे, कितना आंसर है बच्चे इसका आपके पास? सर 19। हाँ वो उतने के आसपास आ जाएगा, क्योंकि बच्चा ऊपर 50 है तो 50 ÷ 26.4, तो आप डिवाइड तो तू कर लेगी बच्चे और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पर डाउट क्लियर हुआ बच्चे आपको? डाउट क्लियर हुआ। और हर बच्चे को मेगा का थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि मेगा आपके लिए लेके आई है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके अंदर मेगा ने आपसे कौन से कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश की है। व्हाट डू यू मीन बाय दी, क्या बच्चे आपके पास डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और आप डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से, फिर समझो, आप डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस और डिस्टेंस का रिलेशन, यही टीचर जो है बच्चे आपसे बार बार पूछने की कोशिश करे और हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते जी। अब किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझे यहाँ पर पूछ सकते। शाबाश, क्लियर है वाली चीज बच्चे? क्लियर है मेगा? आदित्य ये बात क्लियर है? बोलो बच्चे आदित्य ये बात क्लियर बेटा? यस सर। चलिए, सो हमने यहाँ पर कैपेसिटेंस के अंदर एक और कॉन्सेप्ट को किया, जो कॉन्सेप्ट था बच्चे हमारे पास, द कॉन्सेप्ट वेरी सिंपल, कि मेरे पास यहाँ पर अगर कैपेसिटेंस के बीच में मीडियम को डाल देते हैं देन व्हाट विल हैपन। नाउ नेक्स्ट वन इज द मेटल स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अगर मेरे पास यहाँ पर कोई मेटल की स्लैब, सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक मेटल की स्लैब है, ये देखिए मुझे, सपोज मेरे पास यहाँ पर एक मेटल की स्लैब, और इस मेटल की स्लैब को रखा गया बच्चे बिटवीन दी टू प्लेट्स टचिंग दी टू मेटल प्लेट्स, मतलब कि इनको दो मेटल प्लेट्स के बीच में रखा गया, वही जैसे बच्चे हम डायलेक्ट्रिक मीडियम को रखते हैं ऐसे, ये मेटल स्लैब को हमने दो प्लेट्स के बीच में रख दी, ये मेटल स्लैब को मैंने दो प्लेट्स के बीच में क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, ये हमारे पास, जिसमें से एक प्लेट पे आपके पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और मेरे पास यहां पर दूसरी प्लेट पे कौन सा चार्ज है, शाबाश बोलो बच्चे हमारे पास नेगेटिव चार्ज, तो मेरे पास यहां पर दूसरी प्लेट के ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज है, ये मेटल स्लैब दोनों साइड्स को टच कर रही है, तो ये बच्चे हमारे पास बन गया मेटल स्लैब, और ये दोनों साइड्स को आपके पास जाकर क्या कर रही है, टच कर रही है। नाउ The capacitance of the metal slab, और यह हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, dielectric constant of the metal multiplied by epsilon naught multiplied by area divide by distance, बच्चा हमारे पास and divide by distance, बच्चा हमारे पास कितने के बराबर आ गई। Now the capacitance of the metal is infinite, therefore the capacitance of the metal is equal to infinite, yani ki ye infinite capacity ka capacitor ban jayega, basically aisa capacitor hamare paas short circuit hota hai, aisa jo hamare paas capacitor hota hai wo hamare paas short circuit hai, useless hai ye mere paas, aisa capacitor mere kisi kaam ka nahi hai, ye useless hai, to bachcha bolta hai sir useless kyun hai, iski to capacity infinite hai, reason hai क्योंकि अब ये कैपेसिटर नहीं रहा, ये कंडक्टर बन गया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भाग रही है और मुझे इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करना है, ना कि बच्चे उसको ट्रेवल करना है, इस वजह से बच्चे ये हमारे लिए यूजलेस है, ये हमारे किसी काम का नहीं। क्या आपके घर में जो पानी की टंकी है, जो आपके घर में पानी की टंकी है उसके नीचे मैं होल कर दूं
और उसके अंदर पानी भरता रहे, पानी भरता रहे, पानी भरता रहे, लेकिन वो कभी भी कंप्लीटली ना भरे, लेकिन पानी आप डालते रहो, पानी डालते रहो, तो ऐसी पानी की टंकियां आपके लिए यूजफुल है, क्योंकि उसमें बहुत सारा पानी आ सकता है, आप जो भी पानी डालते हो वो निकल जाता है, या फिर वो आपके लिए यूजफुल है। क्या कहोगे बच्चे आप उसको, क्या वो यूजफुल है? मेरे पास ये चाय का एक कप है, इस चाय के कप के नीचे मैं को होल कर देता हूं, मेरे पास यहाँ पर चाय का एक कप है और इस कप के नीचे बच्चे मैं यहाँ पर होल कर देता हूं, अब यहां से जो भी मैं सामान डालूंगा नीचे गिर जाएगा, ये मुझे पता, तो ऐसा करते हुए मैं जितनी बार भी इसमें चाय डालूंगा वो चाय सारी यहां से बाहर निकल जाएगी, मैं और चाय डालूंगा चाय बाहर निकल जाएगी, और मैं बोलूंगा कि इसकी कितनी कैपेसिटी है, तो आप बोलोगे इसकी इनफाइनाइट कैपेसिटी है। क्यों इनफाइनाइट कैपेसिटी है? क्योंकि मैं जितनी भी चाय डालता हूं वो रुकती नहीं, वो ट्रेवल कर जाती है। तो ऐसा कप जिसकी अनलिमिटेड कैपेसिटी है, ये आपके लिए फायदेमंद है कि नुकसान देख है? तो नुकसान देख है, ये तो यूजलेस है। अगर कोई बच्चा ये बोलता है सर मेटल डाल के आपकी कैपेसिटी इनफाइनाइट होगी, ये तो अच्छी बात है, आपको ज्यादा चार्ज रख सकते हो, नहीं, एक्चुअल में आप जब चार्ज रखते हो तो चार्ज आगे भाग जाता है, तो आपको लगता है शायद इसने हर चार्ज को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन एक्चुअल में ये चार्ज को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, चार्ज को ट्रांसफर कर रहा है, तो ऐसा कैपेसिटर मेरे लिए यूजफुल नहीं है, ये यूजलेस है, क्योंकि ऐसा कैपेसिटर हमारे पास क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ऐसा कैपेसिटर हमारे पास यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। एक बात बच्चे हमेशा याद रखना, रिमेंबर, एक बात बच्चे आप हमेशा लाइफ के अंदर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, और वो बात बच्चे हमारे पास ये है, दिस मेटल, ये जो बच्चे हमारे पास मेटल है, शुड टच दिस मेटल, शुड टच, इसको टच करनी चाहिए बोथ साइड्स ऑफ द प्लेट, शुड टच द बोथ साइड्स ऑफ द प्लेट, इनको दोनों प्लेट्स की साइड बच्चे क्या करनी चाहिए, टच करनी चाहिए, दिस मेटल शुड टच द बोथ साइड्स ऑफ द प्लेट, यानी कि इस मेटल को दोनों साइड्स ऑफ प्लेट को टच करना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये शॉर्ट सर्किट नहीं हो पाएगा, शॉर्ट सर्किट होने के लिए, इनफाइनाइट कैपेसिटी होने के लिए मेटल के ब्लॉक का दोनों साइड्स पर टच होना जरूरी, किसी बच्चे का इसमें कोई डाउट, किसी बच्चे का इसमें कोई डाउट तो वो मुझसे यहाँ पर पूछ सकते, जी मैक बोलो बच्चे, जी आदित्य, मेगा, नो सर, परनीत, नो सर, क्षितिज, यहाँ पर अगर कोई सलोनी, केतन, यहाँ पर प्रभनूर, प्रणीत, नो सर, वंशिका बेटा, अगर कोई चीज आप, जस्सी, दीप सिमर, हर्षु बेटा, अगर आपने यहाँ पर कोई डाउट पूछना है तो वो डाउट आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते, जी शबर, सिमरत, क्लियर है बच्चे ये वाली बात, क्लियर है बेटा, मैं आगे चलूं। अब मेरे पास यहाँ पर बच्चा एक क्वेश्चन लेके आता है, बच्चा क्या बोल के आता है, सर व्हाट विल हैपन इफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अगर बच्चा हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है बच्चे, इफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के बराबर हैज द थिकनेस, हैज द थिकनेस, हैज द थिकनेस लेस देन, less than, less than the separation between the plates, 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 क्या होगा बच्चा हमारे पास, जब हमारे पास यहां पर कुछ ऐसा हो कि हमारे पास जो सेपरेशन है प्लेट्स की उसके मुकाबले हमारे पास यहाँ पर, ये देखो हमारे पास ये जो दो प्लेट्स हैं, ये मेरे पास जो यहाँ पर दो प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस मेरे पास कितने के बराबर, डी के बराबर, इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पे डी के बराबर है, और मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, इन दोनों प्लेट्स के बीच में मैंने अब एक डायलेक्ट्रिक मटेरियल को डाल दिया, ये जो मैंने डायलेक्ट्रिक मटेरियल को डाला बच्चे, हमारे पास यहां पर पॉजिटिव प्लेट है बच्चे, हमारे पास ये पॉजिटिव है, यहां पर मेरे पास प्लेट कौन सी है बच्चे आपके पास, नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये डायलेक्ट्रिक प्लेट है जिसकी थिकनेस मेरे पास किसके बराबर है बच्चे, टी के बराबर,
जिसकी थिकनेस बच्चा हमारे पास टी के बराबर है, इसकी थिकनेस मेरे पास यहाँ पर टी के बराबर है, और हमारे पास इस डायलैक्ट्रिक स्लैब के अंदर यहाँ पर बच्चा हमारे पास कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, शाबाश बताओ, नेगेटिव, और हमारे पास यहाँ पर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, शाबाश बोलो बच्चे, यहाँ पर मेरे पास कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हमारे पास यहाँ पर इस डायलैक्ट्रिक मटेरियल के अंदर ये बच्चा हमारे पास के, यहाँ पर बच्चे हमारे पास के इसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, यहाँ पर मेरे पास टी इज लेस देन डी, टी इज लेस देन डी, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चे इसके अंदर से ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर एक बड़ी सिंपल सी बात लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा कि कंसीडर वी हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वी हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एरिया कैपिटल ए, with the area capital A and distance between the plates, and the distance between the plates is small d, distance between the plate is a small d, ये बच्चा हमारे पास small d के बराबर, ये हमारे पास यहाँ पर small d के बराबर। Next one, the electric field, जो बच्चा हमारे पास यहाँ पर electric field, the electric field, the electric field inside the dielectric material, inside the dielectric material, inside the dielectric material is आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, now this is a E naught divided by आपके पास क्या आ जाएगा, जहां पर बच्चा हमारे पास इसके अंदर की electric field आपके पास किसके बराबर है, E naught divided by Q, जहां पर मेरे पास क्या, वेयर ई नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, क्योंकि डायलैक्ट्रिक मटेरियल में जाते ही, क्योंकि उसका मीडियम चेंज हो गया, मीडियम के चेंज होते ही इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाती है, वेयर ई नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड के, और जो बच्चा हमारे पास के, the k is the dielectric constant, the k is the dielectric constant of the, dielectric constant of the aapke paas dielectric slab, it is the dielectric constant of the dielectric slab, badi simple si, ab dhyan se samajhna bachche jo main aapko samjhane ja raha, hamare paas dielectric ke slab se bahar ba, aapke dielectric slab ke bahar कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि दो प्लेट्स के बीच की फील्ड है, ये ध्यान से सुनिए, हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास जो आपके लिए कौन सी फील्ड है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड, समझो बच्चे, जो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास ए नॉट के बराबर, और जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरे पास ए नॉट डिवाइडेड बाई के बराबर, तो मेरे पास यहाँ पर बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, और बच्चे अंदर की तरफ मेरे पास किसके बराबर है, ई नॉट डिवाइडेड बाई के, यानी कि मैं यहाँ पर कह सकता हूँ सेफली कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स निकालू, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स निकालू, तो ध्यान से समझ फोकस करना मुझे, मेरे पास यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ए नॉट इंटू टी माइनस सॉरी डी माइनस टी हो जाएगा, मेरे पास डी माइनस टी, देखो समझ में आ रहा है ना, डी माइनस टी कहाँ पर होगा, मेरे पास डी माइनस टी के डिस्टेंस पे ए नॉट की इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, और टी डिस्टेंस पे कितने की इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, तो आप बोलोगे ए नॉट डिवाइडेड बाई के, और ये मेरे पास टी डिस्टेंस पे लग रही है, डायलैक्ट्रिक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, डायलैक्ट्रिक मीडियम के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, ओरिजिनल है, और हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डिस्टेंस कवर करते हो तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पता लगता है, आपको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पता लगता है, ये देखो ये हमने पिछले चैप्टर में किया था, क्या अगर मेरे पास ये पॉइंट ए है,
ये पॉइंट बी है और हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई में जा रहे हैं, तो जैसे आप ए से बी की तरफ को जाओगे तो वी बी माइनस वी ए किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई और डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी, द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन द पॉइंट ए टू बी, तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमने पिछले चैप्टर के अंदर किया, मैं उसी को यूज कर रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डी माइनस टी के डिस्टेंस पे, हमारे पास ये डी माइनस टी के डिस्टेंस पे, एक ये वाला दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, डी माइनस टी, सोच के देखो डी माइनस टी, तो सिर्फ आपके पास इतनी जगह पे ई नॉट है और टी डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट बाई के, ए नॉट बाई के, ए नॉट बाई के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड और बाकी का डिस्टेंस डी माइनस टू, ये हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। इसमें से कॉमन क्या चीज आ जाएगी, तो हमारे पास कॉमन आ जाएगी ए नॉट, जरा मैं इसको देख लेता हूं, तो डी माइनस ऑफ टी प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, टी बाई, ये हमारे पास आ गया, तो हमारे पास यहां पर क्या आ गया, बी इज इक्वल टू ए नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है दो प्लेट्स के बीच में, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या रह गया, डी माइनस टी प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास टी डिवाइडेड बाई के, ठीक है, देखते रहना। और मेरे पास सिग्मा की वैल्यू किसके बराबर होती है, मेरे पास सिग्मा की वैल्यू किसके बराबर होती है, चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट और बच्चे हमारे पास डी माइनस टी प्लस ऑफ बच्चे आपके पास टी बाई के, और ये बच्चे हमारे पास टी बाई के बराबर। नेक्स्ट कैपेसिटेंस, तो हमारे पास कैपेसिटेंस किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन वी, तो जल्दी बता दो किसके बराबर है, एप्सिलॉन नॉट ए, और नीचे बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज अ डी माइनस टी प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास टी बाई के, तो d माइनस टी एंड प्लस ऑफ बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, टी बाई, ये हमारे पास वो कैपेसिटेंस है जिसमें जो हमारे पास कैपेसिटर है उस कैपेसिटर में डायलैक्ट्रिक पूरी जगह पे नहीं फैला, वो थोड़ी सी कम थिकनेस के अंदर फैला, ठीक है, तो वो हमारे पास कंप्लीट थिकनेस में नहीं है, वो हमारे पास कहाँ पर है बच्चे, वो बहुत छोटी सी जगह पे, वो हमारे पास इससे बहुत छोटी सी जगह पे। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं T को D के बराबर कर दूं तो बताओ किसके बराबर, कोई बच्चा समझ पा रहा है कि अगर मैं T को D के बराबर कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं T को D के बराबर कर रहा हूं तो मेरी कैपेसिटेंस किसके बराबर आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय D माइनस D प्लस ऑफ बच्चे आपके पास D बाई के, जल्दी बता दो ये कितने के बराबर है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए जीरो प्लस ऑफ D बाई के, तो k ऊपर चला जाएगा तो बताओ कैपेसिटेंस किसके बराबर है, k एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय, तो k एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय, तो अब ये बात समझो, ये बात सीखो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या चीज समझाई थी, मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर कैपेसिटर में ये मीडियम कंप्लीट 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 वॉल्यूम को क्या कर जाता है बच्चे, फिल कर जाता है, तो आपके कैपेसिटेंस किसके बराबर है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाय, जहां पर ये मीडियम इस कैपेसिटर के स्पेस को क्या कर रहा है, कंप्लीटली फिल कर रहा है, कंप्लीटली फिल कर रहा है, कंप्लीटली फिल कर रहा है, और यहां पर आपके पास ये कैपेसिटेंस कब है, जब डायलैक्ट्रिक मीडियम इन दोनों के बीच की स्पेस को क्या कर रहा है बच्चा हमारे पास, बोलो शाबाश, इन दोनों के बीच की स्पेस को पार्शियली फिल कर, पार्शियली फिल कर, पार्शियली फिल कर, मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, हमारे पास इसका मतलब अब कैपेसिटेंस के मेरे पास तीन फॉर्मूले हो गए, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, C is equal to K epsilon not A by D, और मेरे पास तीसरा आ गया C is equal to epsilon not A divided by D minus T bracket बंद plus of T by D, ये parallel plate capacitor के मेरे पास यहां पर तीन form, मेरे पास ये parallel plate capacitor के बच्चे आपके पास यहां पर तीन form,
इन तीनों फॉर्मूलों को मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर वन, मेरे पास यहां पर एक कैपेसिटर है बच्चे। इस कैपेसिटर के बीच का जो डिस्टेंस है यह हमारे पास कितने के बराबर है, 2 मिलीमीटर के बराबर है। इसका एरिया मेरे पास 3 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। और इस वक्त इन दोनों के बीच में हमारे पास एयर को फिल किया गया। जल्दी से बताओ इसकी कैपेसिटेंस कैसे निकालो, जल्दी से बता दो कि इसकी कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे। शाबाश बताओ, मैं बताऊं कैसे कैपेसिटेंस निकालोगे। इसकी कैपेसिटेंस आ जाएगी आपके पास एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय, और मेरे पास 8.8 × 10^-12, और मेरे पास यहां पर एरिया किसके बराबर है, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3 × 10^-4 और डिवाइडेड बाय 2 मिलीमीटर, 2 × 10^-3, ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 4.4, और कितना आ जाएगा, 13.2 × 10^-13 farad। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो। लेकिन अब अगर इसी में मैं आपको सेकंड क्वेश्चन दे देता हूं, देखते चलना। मेरे पास यहां पर अब सेकंड क्वेश्चन है कि मेरे पास ये सेम कैपेसिटर है, आपके पास इस कैपेसिटर का एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस मेरे पास यहां पर 2 मिलीमीटर है, और इनके बीच के स्पेस को मैंने कंप्लीटली फिल कर दिया, और मैंने कंप्लीटली कितने से फिल कर दिया, विद डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल टू, और मुझे इस सिस्टम की क्या बतानी है, कैपेसिटेंस। मैं बताऊं कैसे बताऊं, तो हमारे पास इसकी कैपेसिटेंस कैसे आएगी, तो हमारे पास इसकी कैपेसिटेंस आ जाएगी के टाइम्स द कैपेसिटेंस दैट इज कैलकुलेटेड इन द एयर, क्योंकि मैंने कंप्लीटली फिल किया हुआ है। तो मेरे पास यहां पर 2 × 13.2 × 10^-7 एंड दिस कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 26.4 × 10^-13 farad। तो 26.4 × 10^-13 farad, ये भी बात समझ में आती है। अब अगर मान लिया जाए कि मैं यहां पर इसके अंदर एक कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश करता हूं, कौन सी कैपेसिटेंस देखना, चेक करना। मेरे पास यहां पर इस तरीके से ये आपके पास कैपेसिटेंस आ गई, और इनके बीच का डिस्टेंस है 2 मिलीमीटर, ध्यान से समझ, और इस 2 मिलीमीटर में से मैं 1 मिलीमीटर के अंदर एक डायलेक्ट्रिक मटेरियल को डाल दू, 1 मिलीमीटर में, 1 मिलीमीटर में मैं डायलेक्ट्रिक मटेरियल को डाल देता हूँ की इज इक्वल टू। अब मुझे बताना कि इसके कैपेसिटेंस क्या होगा, मुझे यह बताना कि बच्चे आपके पास इसकी कैपेसिटेंस किसके बराबर होगी, जरा चेक करें। तो मेरे पास यहां पर इसकी कैपेसिटेंस किसके बराबर होगी, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस ऑफ टी प्लस ऑफ टी अपॉन टी, और मेरे पास दिस इज 8.8 × 10^-12 एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 3 × 10^-4 डी माइनस ऑफ टी, तो डी माइनस ऑफ टी का मतलब है 2 − 1 मिलीमीटर, और बच्चे प्लस ऑफ टी बाई के, तो 1 मिलीमीटर, क्योंकि टी 1 मिलीमीटर, ये टी है बच्चे 1 मिलीमीटर, और के की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2 के बराबर। कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, तो मेरे पास यहां पर कितना आ जाएगा, 8.8 × 10^-12 × 3 × 10^-4, और नीचे बताओ बच्चा मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1/2, तो 1 + 1/2 कितना आ जाएगा, 3/2 मिलीमीटर, ये 3 से 3 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बच्चा हमारे पास ऊपर चला जाएगा, एंड द कैपेसिटेंस इज 17.6 × 10^-13। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, मैंने आपको एक ही कैपेसिटर के अंदर 3 क्वेश्चन बनाकर बताए, एक जब वो टीचर एयर यूज करेगा, दूसरा जब वो टीचर बच्चे मीडियम यूज करेगा, बट जो मीडियम होगा वो कंप्लीटली फिल करेगा, इस कैपेसिटर के बीच की स्पेस को कंप्लीटली फिल करेगा, और तीसरा जब आप मीडियम यूज करोगे, पर मीडियम आपके पास लिमिटेड स्पेस,
जो कैपेसिटर के बीच की जो बहुत कम स्पेस को घेर के उसको फिल करना। जी मेगा बच्चे बोलो शाबाश। सर ये जो लास्ट वाले में हम मिलीमीटर को कन्वर्ट नहीं करेंगे? मैंने कन्वर्ट करके अपने मेंटली इसको कर लिया, तो देख जरा देख मैं तेरे को बताता हूँ मैंने क्या किया, अगर तू थोड़ा सा देखेगी तो। एक मैंने वैसे मेंटली कर दिया, ठीक है, मिलीमीटर 10 के पावर माइनस 3 है, मैंने मेंटली कर दिया तो माइनस 16 प्लस ऑफ 3, तो मेरे पास यहाँ पर ये 2 ऊपर चला गया, 17.6 इंटू 10 के पावर माइनस 16 एंड डिवाइडेड बाई, तो 10 के पावर मेरे पास यहाँ पर माइनस 3, सो दिस इज 17.6 इंटू 10 के पावर माइनस 13। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा बच्चे, क्या मुश्किल है इसके अंदर से। जी जगजोत बोलो बच्चे। सर इस पे एक डाउट सेंड किया आपको। अच्छा अभी? यस सर। थोड़ा सा वेट कर ले राजीव, मैं करवा दूंगा, तो टेंशन मत ले इसकी। ओके सर। ठीक है चलो चलिए। सो बच्चा हमारे पास यहाँ पर अब हम आगे की तरफ को चलते, तो हमारे पास यहाँ पर अब क्वेश्चन इसी पे आएंगे, बार बार बच्चा आपके पास इसी पे क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन बच्चा हमारे पास होगा। जैसे कि मेरे पास टीचर ये बोल देता है कि ये मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास एक कैपेसिटर और इस कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है, डी के बराबर, और मेरे पास इसके बीच में हमने किसी डिस्टेंस के अंदर और ये बच्चा आपके पास थिकनेस किसके बराबर है, 2d/3, तो हम यहाँ पर एक डायलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देते हैं, k is equal to 3 पे हम यहाँ पर क्या डाल देते हैं बच्चे, डायलेक्ट्रिक मीडियम को डाल देते हैं। तो ये बच्चा हमारे पास k is equal to 3, अगर हम डायलेक्ट्रिक मटेरियल को डाल देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर इसकी कैपेसिटेंस कैसे निकालो, सो दिस इज एप्सिलॉन नॉट के डिवाइडेड बाय, नीचे बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, डी माइनस ऑफ टी प्लस ऑफ बच्चे टी बाय क्यू, क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, तो कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के एंड डिवाइडेड बाय D माइनस ऑफ, तो आपके पास T की वैल्यू किसके बराबर है, 2d/3 एंड प्लस ऑफ 2d/3 इंटू बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, सो 2d/3 के बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया, तो कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नॉट इंटू A डिवाइडेड बाय, यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, d/3, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास 2d और 3 into 3, तो कितना आ जाएगा, 9, तो C is equal to epsilon not A divided by, यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, d/3 एंड 1 प्लस ऑफ यहां पर कितना आ जाएगा, 2/3, तो हमारे पास यहां पर अगर हम आगे चलें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 epsilon not A divided by D और यहां पर 5/3, तो जल्दी बता दो कि इसकी कैपेसिटेंस किसके बराबर आ जाएगी, 9 epsilon not A divided by 5, तो हमारे पास इसकी कैपेसिटेंस किसके बराबर आ जाएगी, 9 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास इसकी कैपेसिटेंस किसके बराबर आ जाएगी, 9 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय 5, 9 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय 5 डी, तो ये बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जी अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बच्चा मुझसे डाउट पूछ सकता है, अगर किसी बच्चे को मुश्किल लग रहा था। जी बोलो शाबाश, अगर किसी बच्चे को मुश्किल लग रहा है तो बच्चा मुझसे पूछ सकता है, शाबाश है, किसी बच्चे को मुश्किल लग रहा है, और अगर इसमें मेटल आ जाएगी तो मेटल के अंदर बच्चे आप सिंपल क्या कर दोगे, जैसे अगर मान लिया जाए कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर अगर इस तरीके से आपके पास ये प्लेट्स हैं और ये बच्चा हमारे पास इन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, और हमारे पास इन ये हमारे पास एक मेटल प्लेट और हमारे पास इसकी जो थिकनेस है वो हमारे पास d/3 के बराबर,
और हमारे पास इनके बीच का टोटल डिस्टेंस डी के बराबर। जी सिमरत बोल बच्चे। हमारी बस बच्चे दो मिनट, लास्ट क्वेश्चन सर से, मेरी तरफ से सॉरी मांग लेना सर से। ओके सर। तो हमारे पास यहाँ पर ये कैपेसिटेंस, क्योंकि मेटल प्लेट है, तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस ऑफ टी एंड प्लस ऑफ टी, क्योंकि ये मेटल है तो नीचे अब के की जगह क्या आ जाएगा बच्चे, बोलो शाबाश, इनफाइनाइट। और मेरे पास अब बताओ कैपेसिटेंस किसके बराबर है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस ऑफ टी, तो ये डी बाई थ्री के बराबर है। और इसको सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई थ्री डी माइनस डी, तो आपके पास कितना आ जाएगा, टू डी बाई थ्री, तो आपके कैपेसिटेंस कितने के बराबर, थ्री एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या आ जाएगा, टू। और यह हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो अब हम मेटल प्लेट को भी इसमें रखकर इनसफिशियंट, जिसकी विड्थ बहुत कम है, तो हम बता सकते हैं बच्चे कि आपके पास इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। चलिए सो अभी के लिए हम इतना करते हैं, बाकी चीजें अब हम कल